Hello class 10 this is our second video with the chapter endocrine gland today we will start from pancreas in our first video we learned about what do we mean by endocrine glands how is it different from exocrine gland what are the different types of endocrine glands and the secretion of endocrine gland Called hormone, its characteristics, and we have learned about the first type of endocrine gland known as adrenal glands, about its location and the two parts of adrenal glands, namely medulla and cortex, and the hormone secreted by them, their role, and we also learned about the over secretion and less secretion. ऑफ कॉटिसन हॉर्मोन बाई एड्रीन कॉटिक्स टूडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पैनक्रियाज पैंक्रियाज डी है और डकटलेस ग्लैंड भी पैंक्रियाज डायजेशन में पैनक्रियाटिक जूस सीकृत करती है जो कि एक डक्ट ग्लैंड का फंक्शन है वहीं एंड्राइन ग्लैंड के रोल में पैनक्रियाज इंसुलिन ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन नाम के तीन हार्मोन रिलीज करती है जो कि पैनक्रिया के स्पेशल ग्रुप ऑफ हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स के द्वारा रिलीज होता है यानी पैनक्रिया में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो एंडोक्राइन नेचर के हैं जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स बुलाते हैं ये सेल्स तीन तरह के हैं बीटा अल्फा और डेल्टा ये तीन तरह के सेल्स तीन तरह के हार्मोन रिलीज करती है बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है अल्फा सेल्स ग्लूकागोन रिलीज करती है और डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज करती है जिसमें से स्टोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो है वो आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है तो आपको पढ़ना है सिर्फ इंसुलिन और ग्लूकागोन के बारे में पहला हार्मोन इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन पैंक्रिया के द्वारा जो रिलीज होती है ये आपके शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करती है ये इसे बढ़ने नहीं देती आपके शरीर में जो ग्लूकोज होता है इसे लीवर और मसल्स में सेल के द्वारा इसे ग्लाइकोज़न में कन्वर्ट करने में मदद करती है यानी इंसुलिन खुद ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने में मदद कर रही है लेकिन वो डायरेक्टली खुद नहीं ये करती है बल्कि सेल्स को जो सेल होते हैं उन्हें इनेबल करती है उन्हें ये आदेश देती है कि वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करे और उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे तो ये कहना कि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती ये गलत होगा क्योंकि इंसुलिन जो है वो सेल्स को इनेबल करती है कि वो क्या करें वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे और उसे लीवर और मसल्स में स्टोर करके रखे फॉर फ्यूचर यूज जब बॉडी स्टार्वेशन में हो या उसे ग्लूकोज की कमी हो तब वो उस ग्लूकोज को जैसे वो प्रोवाइड कर सके अब आ जाता है कि अगर इंसुलिन आपके शरीर में कम या ज्यादा सेक्रेट हो तो क्या होगा तो इंसुलिन के कम सेक्रेशन से यानी हाइपो से आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपके कम सेक्रेशन है जैसे कि आपका शरीर में इंसुलिन कम पैदा हो रहा है तो ऐसे में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि उन्हें ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराने वाला जो हार्मोन है वो कम है इंसुलिन जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन करवाने में सेल को इनेबल करवाती थी वो कम होने की वजह से आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायबिटिस मेलाइटस या हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटिस हाँ, मेलाइटस या फिर हाइपर ग्लाइसीमिया और ऐसे में आपके शुगर कंसेंट्रेशन लेवल ही नहीं बढ़ेगा बल्कि आपका शुगर जो है वो इस हद तक जा सकता है कि वो आपके यूरिन में भी डिस्चार्ज होने लगे आपको बहुत प्यास लगने लगेगा बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगा बॉडी वेट जो है वो कम हो जाएगी आप कमजोर महसूस करने लगेंगे और आंखों की दृष्टि जो है वो कमजोर होने लगेगी और कभी कभी भयंकर ये स्थिति आ सकती है कि आपके आंखें जो है आईसाइट जो है वो पूरी तरह से लॉस हो सकता है विजन पूरी तरह से चला जा सकता है तो ये इतना डेंजरस है ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि इंसुलिन हार्मोन को इंजेक्ट करके इंजेक्शन के द्वारा उसे शरीर में डालते हैं तो एक्चुअली ये कोई क्योर नहीं है आपके शरीर में क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा है कम बन रहा है इसीलिए आपके शरीर में ये इंसुलिन को हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं जिसके वजह से ये जो हार्मोन कम है वो पूरी उसका सप्लाई पूरा हो सके और ब्लड शुगर लेवल को वो कम कर सके सो दिस इज अ ट्रीटमेंट बट नॉट अ क्योर वहीं पर अगर हम देखें कि ओवर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन हो यानी अगर इंसुलिन हार्मोन ज्यादा सेक्रेट होने लगे तब क्या होगा तो इंसुलिन हार्मोन के ज्यादा सेक्रेट होने से शुगर लेवल जो है वो गिर जाती है क्योंकि आपके पास ज्यादा इंसुलिन है तो वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता रहेगा सेल को इनेबल करता रहेगा जैसे कि वो ग्लाइकोजन को ज्यादा से ज्यादा बनाए तो शुगर लेवल जो है वो आपके ब्लड में कम हो जाता है ऐसे में अगर ब्रेन को शुगर का एक पर्टिकुलर लेवल मेंटेन ना हो तो ब्रेन जो है वो पैरालाइसिस स्टेट में जा सकती है काम नहीं कर सकती है जिसे हम कोमा बोलते हैं कोमा स्टेट ऐसे में ब्रेन जो है वो पूरी तरह से कोमा स्टेट में जा सकती है और इतना डेंजरस हो सकता है जैसे कि आपके शरीर में ये कम होने की वजह से आप बेहोश हो सकते हैं यू कैन बिकम अनकॉन्शियस ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन लैक ऑफ शुगर लेवल इन योर बॉडी इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन शॉक या हाइपोग्लाइसीमिया अगर थोड़ा सा भी कोई मीठा आपके मुंह में डाल दिया जाए या ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाए तो इस सिचुएशन से बचा जा सकता है उसे फिर कॉन्शियस स्टेट में लाया जा सकता है तो ज़्यादा होना भी खतरनाक है और कम होना भी खतरनाक है इंसुलिन हार्मोन के केस में दूसरा जो हार्मोन है वो है ग्लूकागोन ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो आइलेट ऑफ लैंगर का एल्फा सेल्स जो है वो सेक्रेट करती है इसका काम ठीक इंसुलिन के ऑपोजिट है यानी आपके बॉडी में ग्लाइकोजन जो लिवर और मसल्स में स्टोर किया हुआ है उसे तोड़कर वापस ग्लूकोज बनाती है और इससे आपके शुगर लेवल को वापस रिस्टोर करती है बढ़ाती है ब्लड में और तीसरा तरह का जो हार्मोन है वो डेल्टा सेल्स रिलीज करती है सोमैटोस्टैटिन विच इज नॉट इन योर सिलेबस इसका काम है इंसुलिन और ग्लूकागोन के सेक्रीशन को इनहिबिट करना या कंट्रोल करना तो ये सिलेबस में नहीं है इसीलिए इसे नहीं पढ़ना जस्ट याद रखिए कि इसका फंक्शन है इट इनहिबिट्स द सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन तो पूरी तरह से ये समझ में आए कि इंसुलिन जो है वो आपके शरीर में जो ग्लूकोज लेवल को कम करती है और ग्लूकागोन आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को काउंटर एक्ट करते हैं तो और सोमैटोस्टैटिन जो है ये इन दोनों को कंट्रोल करती है तीसरा टाइप का जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है थायरॉयड ग्लैंड थाइरायड ग्लैंड आपके शरीर में गले में पाया जाता है जो आप देख सकते हैं यहां पर नेक रीजन में ये जो बटरफ्लाई शेप्ड आपका स्ट्रक्चर है यही ही ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड बाईलोब्ड बटरफ्लाई शेप्ड आपके फ्रंट पोर्शन ऑफ द नेक में पाया जाता है ठीक लैरिंग्स के नीचे लैरिंग्स या साउंड बॉक्स के नीचे पाया जाता है इन दोनों लोब्स को बीच में जो कनेक्ट कर रही है इस पार्ट को स्थमस कहते हैं आई एस टी एच एस स्थमस और ये जो हार्मोन सेक्रेट करती है वो है थायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन थायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन में कैल्सीटोनिन आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है सिर्फ थायरोक्सिन के बारे में आपको पढ़ना है थायरोक्सिन हार्मोन आपके शरीर में बेसल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है यानी रेस्टिंग पोजीशन में सेलुलर ऑक्सीडेशन को ये कंट्रोल करती है उसके रेट को साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो कम हो इसको भी वो कंट्रोल करती है और जनरल ग्रोथ जो बॉडी का है उसे कंट्रोल करती है तो ग्रोथ हार्मोन जो है उसके साथ साथ थायराइड हार्मोन भी आपके शरीर के ग्रोथ को मेंटेन करती है उसे कंट्रोल करती है बोन्स का ऑसिफिकेशन यानी हड्डियों का बनना भी थायराइड ग्लैंड के वजह से होता है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है और मेंटल डेवलपमेंट भी थायराइड ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करता है अब अगर थायराइड ग्लैंड कम या ज्यादा सेक्रेट हो तो क्या होगा यह आपको जानना है अगर थायराइड ग्लैंड कम सेक्रेट हो तो इस कंडीशन को हम लोग हाइपो कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म यानी अंडर सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन के वजह से आपको तीन चीजें आपके अंदर देखने को मिल सकती हैं एक है सिंपल गोइटर जिसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो सूज जाता है फूल जाता है और आपका गला जो है वो स्वेलिंग उसमें देखने को मिलती है आमतौर पे अगर आपके खाने में आयोडीन ना हो यानी अगर आयोडीन वाले फूड आप नहीं खा रहे हैं तो सिंपल गोइटर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं एक समय था जब हिली रीजन के लोगों को ये बीमारी बहुत ज्यादा होता था क्योंकि सी फूड उन्हें नहीं मिलता था और सी फूड जो है उसमें आयोडीन ज्यादा होती है तो सी फूड ना खाने की वजह से या नमक जो खाना में वो यूज करते थे उसमें आयोडीन ना होने की वजह से उनके थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाते थे और हिली रीजन्स में ऐसे डिजीजेस जो हैं वो कॉमन थे पर अब ऐसा नहीं है अब जो सॉल्ट हम लोगों के आ, मार्केट्स में अवेलेबल है वो सारे सॉल्ट्स जो है वो आयोडीन उसमें पाया जाता है आयोडीन बहुत कम मात्रा में ही आपके ब्लड में अगर हो तो ये बीमारी आपको नहीं होगी इसलिए आयोडीन अब सारे आयोडाइज सॉल्ट में पाए जाते हैं और लगभग आ, हमारे स, देश के सरकार ने आयोडीन को सॉल्ट में डालना ये लॉ कर दिया है तो इसके वजह से अब ये बीमारी जो है वो ना के बराबर देखने को मिलती है दूसरा जो हाइपो के वजह से आ, जो डिजीज डिफिशंसी डिजीज जो देखने को मिलता है वो है क्रेटिनिज्म ये बच्चों में देखने को मिलता है चिल्ड्रन में अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से थायरॉक्सिन हार्मोन ना सेक्रेट करे तो उनमें ड्वार्फिज्म और मेंटल रिटार्डेस देखने को मिलता है यानी हाइट जो है वो ज्यादा ग्रो नहीं करती और मेंटली रिटार्डेड होता है चाइल्ड बच्चा जो है वो मेंटली ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता और एवरेज उसकी आईक्यू लेवल होती है कभी कभी उससे भी कम ही होता है और डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगी आमतौर पे थायराइड ग्लैंड डीजेनरेट होने की वजह से ऐसा हो सकता है थर्ड जो हाइपो का लक्षण है वो है मिक्स इडीमा मिक्स इडीमा के, के केस में ये एडल्ट में देखा जाता है कि अगर थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन ना सेक्रेट कर रही हो ठीक से प्रॉपरली थायरोक्सिन हार्मोन ना सेक्रेट करने की वजह से वो पर्सन जो है वो सुस्त हो जाता है स्लगिश हो जाता है और काफी ढीला ढाला लगता है एक्टिव नहीं नजर आता और उसके फेस और हैंड्स जो हैं वो सूज जाते हैं और उनमें फूलापन देखने को मिलता है तो आपको याद रखना है हाइपोथाइरोडिज्म या अंडर सेक्रेशन की वजह से तीन कंडीशन हैं टी ती, तीन डिसऑर्डर्स हैं सिंपल गोइटर क्रेटिनिज्म और मिक्सडिमा अब आ जाता है कि अगर थाइरॉयड ग्लैंड थाइरॉक्सिन ज्यादा सेक्रेट करे तो क्या होगा थाइरॉक्सिन अगर ज्यादा सेक्रेट करे तो ऐसे में हाइपो हाइपर थाइरोडिज्म कहा जाएगा इसे यानी थायरोक्सिन का ज्यादा सेक्रेट होना तो हाइपर या ओवर सेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से आपको इस तरह से एक्सोपथैलिक गोइटर हो सकता है यानी यह भी एक तरह का गोइटर है पर इस गोइटर में आपके कुछ और भी एक्स्ट्रा लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाता है और वो इंसान जो है वो थोड़ा हाइपर एक्टिव हो जाता है हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज कर जाती है ब्रेथ जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलता है सांस लेने में तकलीफ और आईज जो है वो बाहर की तरफ प्रोटीडिंग यानी बाहर की तरफ निकले हुए नजर आते हैं और ना गले के केस में ये गोइटर देखने को मिलता है गले में गोइटर यानी सूजन देखने को मिलता है यहां एक फिगर दिया है इस फिगर को अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि थायरोक्सिन कितना इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही फोर मंथ ओल्ड गोट के आपके पिक्चर्स हैं ये एक नॉर्मल गोट है जो कि चार महीने का है लेकिन इस गोट में थारॉयड ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया था बाय ऑपरेटिंग ऑपरेशन जिसके वजह से थाईरोयड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट नहीं कर पा रहा था ग्लैंड था ही नहीं तो सेक्रेशन कहां से होगा तो थायरोक्सिन ना होने की वजह से देखिए इसका जो ग्रोथ है वो रुक गया ये ड्वार्फिज्म दिख रहा है यहां पर और ये जरूर मेंटली रिटार्डेड भी होगा तो इस तरह से ये आप समझ सकते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के कम से से कितना भयानक हो सकता है यहां तक हम लोग आज पढ़ेंगे अगले दिन हम लोग पीट्यूटरिंग ग्लैंड से करेंगे थैंक यू